नमस्कार बच्चों। नमस्कार फूल कुमारी दीदी। ये कौन सी किताब खोल के बैठे हो आप लोग? क्या पढ़ रहे हो? दीदी आज हम भूगोल पढ़ रहे थे, हमारी प्यारी गंगा नदी और उनकी उपनदियों के बारे में। हमने गंगा जी के रोचक सफर, गंगोत्री की भागीरथी और अलकनंदा नदियों से उत्पन्न होकर विशाल महानदी बनने तक के सफर के बारे में जाना। अच्छा, क्या तुम्हें यह भी पता है कि आगे जाकर भी कई उपनदियां गंगा जी में आ मिलती हैं? हाँ दीदी, जैसे कि सोन, यमुना, कोसी और गोमती। अरे वाह, बड़े अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप तो, इतने नाम जल्दी से याद भी कर लिए। हाँ दीदी, बड़ा रोचक लगा हमें गंगा मैया का सफर। रोचक तो है। तो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी गोमती नदी के बारे में। कहानी? हाँ दीदी सुनाइए ना। तो सुनो, बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक संस्कारी परिवार था। काफी समय के प्रयास के बाद भगवान ने उनको एक कन्या का सुख दिया, ये जानकर पूरा परिवार प्रफुल्लित हो उठा। कन्या के दादा ने उसका नाम गोमती रखा। अच्छा, तो नदी का नाम उस कन्या के नाम पर ही पड़ा था। अरे अरे सब्र रखो, अभी सब पता चल जाएगा। अच्छा, तो फिर जल्द ही गोमती 3 वर्ष की हो गई। भक्ति भाव का कीर्तन करते हुए गोमती का जन्मदिन मनाया गया। गायों को रोटी खिलाना, गरीबों को भोजन कराना, थाली में 3 दीपक सजाकर भगवान की आरती करना और शिक्षा संस्थान यानी विद्यालय में भेंट देना, ये सब करके गोमती का जन्मदिन मनाया गया। इसी दिन गोमती ने अपने हाथों से अपने आंगन में एक बड़ का पौधा लगाया और 1 वर्ष तक उसकी देखभाल करने का वचन भी लिया। वह छोटी सी गोमती रोज उसमें जल सींचती और अच्छे से उसका ध्यान रखती थी। अच्छा, तो इतनी अच्छी देखरेख से तो पौधा जल्द ही लंबा बलशाली पेड़ बन गया होगा ना दीदी? हाँ, कुछ सालों में ही वो एक विशाल बड़ का पेड़ बन गया और गोमती भी बड़ी हो रही थी। वह बचपन से ही अपने परिवार के साथ नित्य प्राणायाम तथा संध्या वंदन करती थी। संध्या वंदन में रोज भिन्न भिन्न कथाएं सुनाई जाती थी। उसका मनन कर वह फिर से कहानियों को आसपास के घरों में जाकर सुनाया करती थी। जैसे कि हम आपकी कहानियों को सुनाते हैं अपने मित्रों और घर वालों को। हाँ, एकदम वैसे ही। पर जानते हो क्या हुआ? कुछ साल बाद एक साल ऐसा आया जब गांव में वर्षा की एक बूंद भी नहीं टपकी। घोर अकाल छा गया हर जगह। गांव के सभी तालाब और कुएं सूख गए और अब गांव से कई किलोमीटर दूर चलकर जाने पर एक नलकूप था, वहीं से पीने का पानी मिल पाता था। अब इस समय पर गोमती वृद्धों और बीमारों की सेवा किया करती थी। उनके लिए रोज पानी भी वही लाया करती थी, जिसमें कई बार तो उसे 2-3 चक्कर करने पड़ते थे और इतनी दूर बार बार चलने के कारण उसके पैरों में छाले भी पड़ गए थे। इसलिए एक दिन उसने अपने आंगन में लगे बड़ देवता से प्रार्थना की। हे बड़ देवता, हमारे शहर में बहुत घनघोर अकाल छा गया है, एक बूंद पानी भी नहीं मिल पा रहा है। अब आप ही अपने आशीर्वाद से हमें इस अड़चन से बचा सकते हैं, कृपा करें वृक्ष देवता। उसने ऐसा बोला ही था कि उसी समय बहुत जोर से आसमान में बिजली कड़की और फिर उस बड़ के पेड़ से आवाज आई। बेटी, हम तुम्हारी समस्या समझ रहे हैं, परंतु अकाल पर तो हमारा भी बस नहीं, परंतु तुम्हारी रोज रोज दूर गांव के चक्कर लगाने वाली परेशानी को हम जरूर दूर कर सकते हैं। हमारी पूर्व दिशा की जड़ों को खोदना शुरू करो, वहां पानी मिलेगा, परंतु ध्यान रखना वह पानी केवल रात्रि में ही निकालना। अगर दिन में तुमने किसी के सामने पानी निकाला तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गोमती ने बड़ देवता को अपना धन्यवाद कहा और रात्रि के समय पानी निकालकर बीमार और बूढ़ों के साथ साथ राह चलते लोगों को भी पिलाने में लग गई।
फिर एक दिन रोज की ही तरह गोमती बूढ़ों और बीमारों की सेवा करने में लगी थी। पूरे दिन सेवा कर वह शाम को अपने घर लौट रही थी, तभी एक बूढ़ा आदमी पानी पानी करहाता हुआ उसके घर के द्वार पर आकर गिर पड़ा। गोमती ने इधर उधर देखा, लेकिन उसको कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं मिल रही थी और उसका रात को निकाला सारा पानी भी अब तक खत्म हो चुका था और अंधेरा होने में भी कुछ घंटे बाकी थे। अब गोमती को कोई और चारा न सूझा। बूढ़े आदमी की ऐसी हालत देखकर उसे लगा कि अगर उसे उसी क्षण पानी न पिलाया गया तो उसके प्राणों को भी खतरा हो सकता है, और उसने आव देखा न ताव, झट से बड़ वृक्ष की पूर्व जड़ों को खोदना शुरू कर दिया और पानी निकाल कर उस बूढ़े को पिला दिया। दीदी, लेकिन गोमती ने तो सूरज की रोशनी में ही पेड़ से पानी निकाल लिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब गोमती मर जाएगी। गोमती को भी यही लग रहा था, लेकिन उसको ये परिणाम स्वीकार था। वह शांत भाव से वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई और बड़ देवता से सूर्यास्त से पहले और बूढ़े व्यक्ति के सामने जड़ों को खोदने के लिए क्षमा मांगकर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। फिर दीदी, तभी आकाशवाणी हुई, गोमती तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बगैर एक प्राणी के प्राण बचाए हैं। तुमने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, हम तुमसे बेहद प्रसन्न हुए। और तभी पेड़ की जड़ से पानी की एक धारा फूट पड़ती है और जोर जोर से बहने लगती है, और जल्द ही वह धारा एक नदी का रूप ले लेती है। इस नदी का नाम गोमती कहलाएगा। तुम्हारे निस्वार्थ की ये कहानी इस नदी के रूप में अमर रहेगी। ओ, तो ऐसे पड़ा इस नदी का नाम गोमती। ये तो बड़ी रोचक कहानी थी दीदी। गोमती तो सचमुच निस्वार्थता की मिसाल है और अमर हो गई। कहानी तो आपने सुन ली बच्चों, अब इसके पीछे की सीख को अपनी जिंदगी में अमल भी करना आपका फर्ज है। हाँ दीदी, हम भी गोमती की ही तरह निस्वार्थ बनेंगे। बहुत बढ़िया, आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।